विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने अपने गृह क्षेत्र में शमशी में खांपा महिला मंडल भवन की दूसरी मंजिल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर खांपा महिला मंडल ने विधायक सुंदर सिंह ठाकुर का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर विधायक सुंदर सिंह की धर्मपत्नी इंदिरा ठाकुर भी वहां मौजूद रहीं। कुल्लू विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने अपने गृह क्षेत्र में शमशी में खांपा महिला मंडल भवन की दूसरी मंजिल का उद्घाटन किया। इस मौके पर खांपा महिला मंडल ने सुंदर सिंह ठाकुर का आभार जताया कि उनके प्रयासों से खांपा महिला मंडल भवन की दूसरी मंजिल का निर्माण हुआ है, जिसमें क्षेत्र के लोगों को विवाह, शादियों व धार्मिक कार्यक्रमों के लिए उचित स्थान उपलब्ध हुआ। विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि ये उनका गृह क्षेत्र है, जहाँ छोटा भारत बसता है, जिसमें विभिन्न जाति धर्मों के लोग रहते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर खांपा बौद्धिस्ट सोसाइटी के लिए सामुदायिक भवन की दूसरी मंजिल के निर्माण के लिए उचित धनराशि दी जाएगी, जिससे यहाँ पर सामाजिक कार्य के लिए सामुदायिक भवन में सुविधा मिल सके। सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि सदर विधानसभा के दर्जनों महिला मंडल व युवक मंडल के लिए करीब 20 लाख रुपए के प्रावधान से आवश्यक सामग्री वितरित की जाएगी। उन्होंने कहा कि महिला मंडल व युवा मंडल को समृद्ध करने से क्षेत्र में विकास होगा, जिसमें लोगों को बेहतर सुविधाएं दी जाएगी। अपना गांव है, तेगुबेड़ गाँव वासी होने के नाते अधिकतर जो हमारे तेगुबेड़, शमशी, सुरट, बुंतर और हम एक ये जो क्षेत्र है, ये एक मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि ये एक छोटे भारत देश की तरह है। हर वर्ग के, हर धर्म के, हर जाति के लोग हम लोग यहाँ पे रहते हैं और आपसी इतना अच्छा तालमेल, मानो एक घर की तरह हम सभी यहाँ पे रहते हैं। तो आज इसी संदर्भ में यहाँ पे खांपा महिला मंडल का जो है दूसरा मंजिल और ये परिसर बन के तैयार हुआ है, इसमें मैंने हर संभव कोशिश की। ये तो विधायक बनने से पहले की बात थी, तो ये जो मेरे गांव के अपने लोग हैं, मेरे अपने हमारे अब तो काफ़ी बातें कॉमन हो गई है, कई रिश्तेदारियाँ हैं, एक गांव है, एक ही बचपन से लेकर मैं यहाँ इन्हीं के बीच में रहा हूँ। तो आज मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि विधायक बनने के बाद मेरा एक दायित्व बन जाता है कि मैं इनके लिए खांपा महिला मंडल और जो खांपा जो यहाँ पे सोसाइटी है, इनके लिए हर संभव सहायता मेरी तरफ से रहेगी। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।